आजाद देश हुआ तब से लेकर के, भारत विभाजन से बात के अब तक, हमारे यहां एक ऐसी राजनीतिक कल्चर बन गया, एक ऐसी परंपरा विकसित हो गई जिसमें लटकाना, अटकाना और भटकाना, कोई निर्णय करना ही नहीं, लटकाए रखो, कोई आके करेगा देखेंगे, और मीठी मीठी बातें करना, बहुत बढ़िया आइए आइए, नहीं नहीं बिल्कुल देखिए ये कैसे लोग हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करना, और मानो होता है लेकिन लगता है कि वो कर रहा है तो फिर अटकाना, होने नहीं देंगे, कोर्ट में जाएंगे, स्टे ले आएंगे, फलाना करेंगे, ढिकना करेंगे, और दोनों में कोई हैसियत नहीं है तो फिर भटना भटकाना, कोई उटपटांग चीज ऐसी करता रहे ना कि सारा मामला ही भटक जाए। और आजादी के बाद आप देखिए इसे के चलते कैसे कैसे परिणाम आए हैं, अनिश्चितता, जीवन में अनिश्चितता सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपको मालूम है कि आपको ट्रेन में जाना है, टिकट है, रिजर्वेशन है, प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और बस 5 मिनट में ट्रेन आने वाली है, और अनाउंसमेंट हो जाए कि ट्रेन लेट हो गई है, पता नहीं कब आएगी। अब आप मुझे बताइए वो समय कैसा जाता है आपका? बहुत मुश्किल अनुभव होता है, क्योंकि पता नहीं भी, मैं प्लेटफॉर्म पर आ गई हूं, पता नहीं कब आएगी ट्रेन, कब आएगी, कब जाएंगे, कब आएगी। अनिश्चितता मनुष्य के जीवन को घेर लेती है। देश आजाद हुआ, आप कल्पना कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि एक टेम्पररी 370 का बोर्ड लटकाया गया था, धारा 370 के नाम पर ऐसी स्थिति बनाई थी, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं होता था कि ये दिल्ली हमारे लिए कुछ करेगी कि नहीं करेगी। ये अनिश्चितता, ये दुविधा, उसको समाप्त करना भी, ये काम भी मेरे ही नसीब में था। आप देखिए 3 तलाक, आप उस मुस्लिम मां बेटी की का सोचिए, उसका क्या होता होगा कि जब ये 3 तलाक की तलवार लटकती रहती है तो उसको हमेशा डर रहता है कि सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया है तो पता नहीं मुझे निकाल ना दे, यानी उसके जीवन में कितना टेंशन रहता होगा। और उस बाप का विचार कीजिए जिसने बड़े उत्साह और उमंग के साथ अपनी बेटी शादी करके विदाई दी है, उसको डर रहता था कहीं बेटी घर तो वापस नहीं आएगी। उस मां की कल्पना कीजिए, उस भाई की कल्पना कीजिए जिसको लगता होगा मेरी बहन कहीं वापस तो नहीं आ जाएगी, यानी एक प्रकार से पूरा समाज बेचैनी से जिंदगी गुजार रहा था। हमने उस अवस्था को भी खत्म किया, निश्चितता तय की। उसी प्रकार से आपके लिए भी था, पता नहीं कब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आ जाएगा, कब और दबाव अफसर आ जाएंगे, पता नहीं कब गिरा देंगे। घर में बेटा बड़ा हुआ है, शादी होने वाली है, ऊपर एक कमरा छोटा सा ठीक करना है, पता नहीं करने जाएंगे तो मुसीबत ना आ जाए। ये अनिश्चितता की जिंदगी बहुत कठिन थी। हर अनिश्चितताओं को समाप्त करते हुए मक्कमता के साथ जनता की भलाई के लिए निर्णय लेने के हमने निर्णय किए।